जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर्म एडिट कैसे करना है, क्योंकि गाइज आपके करेक्शन शुरू हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर इसकी डेट्स अगर बताऊँ तो आप लोग यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो करेक्शन कर पाएंगे 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर 2024 तक। इसमें गाइज आपका क्या क्या करेक्शन होगा वो आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से। एंड इसमें कुछ पार्ट में जब मैंने ग्रेजुएशन की फॉर्म एडिट होने शुरू हुए थे वो ऐड किया है, क्योंकि मैंने जो 12th लेवल का फॉर्म है वो नहीं भरा था, पर मैं यहाँ पर आपको उससे सभी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अभी आप जो यहाँ पर वीडियो के अंदर देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरी जानकारी आएगी। आप यहाँ पर जानकारी चेक करते हुए आएंगे तो आपको एडिट फॉर्म की जानकारी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि आप 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 के अंदर फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कौन कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट कर पाएंगे। इसमें गाइस जो आप मॉडिफिकेशन कर पाएंगे वो आप उन्हीं जानकारी के अंदर कर पाएंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भरी थी, यानी कि जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, जिसमें कि आपने क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके जानकारी भरी थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि अगर आप यहां पर इसमें क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म को भरते हैं और इसमें यहां पर जो भी जानकारी भरी जाती है, जैसे कि आपका फुल नेम, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फिर यहां पर आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, अगर आपने यहां पर इनमें किसी भी जानकारी के अंदर गलती कर दी थी जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपने भरी थी, तो आप यहां पर मॉडिफिकेशन के चलते भी जानकारी एडिट मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको एडिट मॉडिफाई करने का ऑप्शन इन्होंने एक्टिव नहीं किया है। आपको इन्होंने बोला है यहां पर एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूज एन आरआरबी, यानी कि जो आपने आरआरबी चूज किया था वो भी यहां पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ही सी में डू सो बाई पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी ऑफ ₹250 नॉन रिफंडेबल फॉर ईच ओकेजन, डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट चेंज, यानी कि आप आरआरबी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो बाकी जानकारी बचती है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन भी आता है, आपका एड्रेस भी आता है, फिर आपका फोटो साइन भी आता है, ये सब जानकारी आप एडिट या फिर कह लीजिए मॉडिफाई कर पाएंगे। अब आपको कैसे मॉडिफाई करनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो अगर आपने इनमें से किसी भी जानकारी के अंदर मिस्टेक की है तो आपको कैसे करनी है वो आप जान लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे वो ओपन करके आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बाय चांस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपने जो फॉर्म के अंदर भरी थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे, यानी कि यहां पर प्रोसीड करेंगे और आपको एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर गाइज यहां पर आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपको कैसे आपकी जानकारी एडिट या मॉडिफाई करनी है वो अब आप यहां पर देख लीजिए। अब गाइज जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आप यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन हिस्ट्री देखेंगे, तो आप एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर मॉडिफाई के नीचे मॉडिफाई का एक ऑप्शन देख सकते हैं। आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं और अच्छे से टाइम लगा करके एक एक करके जानकारी चेक कर सकते हैं कि हाँ सभी जानकारी सही तो है, और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप मॉडिफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोला है कि यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टिल 10 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन बाय पेइंग ऑफ ₹250 नॉन रिफंडेबल फॉर ईच ओकेजन, यानी कि प्रत्येक एडिट पर आपको ये फीस पे करनी होगी अगर आप यहां पर इसको करना चाहते हैं। तो आप यहां पर आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज इस तरह से आपकी जानकारी आएगी जो कि आपको चेक करनी है। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर वाली जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते और नीचे जो भी जानकारी यहां पर है आपके सामने वो सभी आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेस्ट बुक की तरफ से, क्योंकि गाइज आपके लिए टेस्ट बुक सिलेक्शन वाली दिवाली सेल लेकर के आई है, जिसमें कि आपको ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो सिर्फ 395 में मिल रहा है और इसमें अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ मिल जाएगी। ये ऑफर आपका 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक वैलिड है और ऐसे ऑफर आपको बार बार नहीं मिलते हैं, और यहां पर आप इसको परचेज कीजिए, बाय कर लीजिए। बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसमें आप जब टेस्ट बुक पास प्रो
को बाय कर लेंगे तो टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो आपको एक साल के लिए फ्री मिलेगा सिर्फ 395 में, जिसमें कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करते तो आपको एक्स्ट्रा तुरंत 12% की छूट मिल जाएगी। तो जाइए फटाफट से इसको बाय कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, दिवाली का गिफ्ट अच्छा आपको टेक्स्ट बुक ने दिया है, तो जाइए बाय कर लीजिए। अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी थी आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिलीजन को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है वो निशान के बारे में अगर आपने कोई जानकारी गलत दी थी तो वो भी आप यहाँ पर अभी एडिट भी कर सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं, फिर जो आपकी कास्ट कम्युनिटी की जानकारी यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट की वो भी आप यहाँ पर एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने जब फॉर्म भरा था उस वक्त कोई रैंडम जानकारी भर दी थी, आपका सर्टिफिकेट बन करके नहीं आया था और वो अब आ चुका है, तो अब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर क्रीमी लेयर में आते या नहीं आते अगर उसमें कोई गलती हो गई थी उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो डाल सकते हैं, किसके द्वारा जारी हुआ है वो आप यहाँ पर अथॉरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्टेट, आपका डेट ऑफ इशू, ये सब जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एड्रेस आपने भरा था उसमें भी आप चेंजेस या मॉडिफिकेशन जो भी करना चाहिए यानी अगर कोई जानकारी गलत हो गई थी वो आप कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी इस वाले सेक्शन के अंदर एडिट या मॉडिफाई नहीं करनी तो आप यहाँ पर सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो अदर डिटेल है वो आ जाएगी, जहाँ पर आप आर यू एन एक्स सर्विसमैन, इसका आंसर भी यस नो में कर सकते हैं, बेसिकली है कि ये भी आपके सामने एक्टिव है, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, बेसिकली यही है कि जो जानकारी आपने भरी थी वो आपके सामने और ये सभी ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है, इसमें आपको जो जानकारी एडिट करनी है कर लीजिए, कोई यस नो हो गया था गलती से तो आप वो चेंज करके सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी बैंक डिटेल है वो भी आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट का सवाल था कि सर मेरे नाम पर अकाउंट नहीं है, किसी और के अकाउंट पर है, तो आप जिस का भी बैंक अकाउंट देना चाहे अपनी फैमिली में से वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए ये अकाउंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको टीयर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में आपकी फीस रिफंड की जाएगी, तो अच्छे से जानकारी यहाँ पर चेक करने के बाद में अपनी जो डिटेल्स है बैंक की एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो अगर आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी के अंदर कोई गलती कर दी थी वो आप यहाँ पर एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी स्टेट भी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका बोर्ड, फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन वो भी आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, टेंथ का रोल नंबर, अगर आपका जो आपका सर्टिफिकेट है टेंथ का वो सही से अपलोड नहीं कर पाए थे तो आप उसको भी यहाँ पर दोबारा अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बैचलर डिग्री की जानकारी है वो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, फिर आपका सब स्ट्रीम अगर एप्लीकेबल है वो, अगर एप्लीकेबल नहीं है आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि सब स्ट्रीम की कैटेगरी के अंदर नहीं आती तो आप यहाँ पर NA यानी कि या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, फिर आपकी स्टेट, इसके अलावा कहाँ से आपने की थी वो, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, और साथ ही साथ क्या आपको इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग आती है कंप्यूटर के ऊपर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं, तो इसमें भी आप जो जानकारी एडिट मॉडिफाई करना चाहिए कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो और जो आपका साइन है वो भी व्यू कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर फोटो साइन के अंदर कोई गलती कर दी थी या फिर आप देख पा रहे कि यार मेरा फोटो सही नहीं आ रहा है और आप इसको दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है, बस ध्यान दीजिएगा साइज 30-70 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फोटो की वजह से काफी सारे कैंडिडेट के फॉर्म पहले भी रिजेक्ट हुए, इस वजह से उनको दोबारा मौका दिया था फोटो साइन अपलोड करने का, तो ये चीज आपको ध्यान में रख करके फोटो साइन सही से अपलोड करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको जिस नंबर पर जिसको प्रेफरेंस रखनी है वो भी आप रख लीजिए, तो सभी ये जो ऑप्शन है आपके सामने वो एक्टिव है, आप जिसको कट करना चाहते हैं कट कर दीजिए और जिसको आप जिस नंबर पर लेकर के रखना चाहते हैं प्रेफरेंस वो आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे, पैलेस यानी कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं वो पैलेस का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो आपने अभी मॉडिफिकेशन किए हैं उनको चेक कर लेंगे, और ये चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ टिक करेंगे, उसके बाद में आप जनरेट OTPs के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, जैसे आप वो OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे तो फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे एंड देन फिर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर आप आपकी एप्लीकेशन फीस पे करते हैं तभी जो जानकारी आपने इसके अंदर मॉडिफाई की है, चेंज की है, करेक्ट की है वो आपकी फाइनल
होगी, अन्यथा जो जानकारी आप पहले से भर करके रखे हैं वही आपकी फाइनल मानी जाएगी। तो अगर आप फीस जमा करेंगे तभी आपकी वो जानकारी फाइनल मानी जाएगी। सो गाइज मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी इसके बारे में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।